सीरियसली ना मामा, सो रूड ऑफ यू, मेरा नाश्ता अटका दिया। ये थोड़ा टाइम है अभी, इसको क्या करना है? शुरू करो क्या? मैं ना शुरू कर दूं? पक्का बताऊं ना ऐसे? तो आप डालते जाते हो सीधे से। मम्मा आपने को बताना चाहिए कि शुरू कर रहे हैं। तो मैं बंद कर देती हूँ। नहीं रहने दो अभी, ठीक है। क्या डाला अभी आपने? मैंने तेल पहले बताऊं ना उनको, तुम अभी चालू किया क्या? कैमरा तो चालू है। हाँ तो चलो ठीक है। ये मैं पहले ये मैं बताऊंगी कि रात को मैंने 200 ग्राम चना जो है, एक मिनट हम वो नजदीक से दिखाता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं काला चना जो मैंने रात को भिगो दिए थे पानी में, और सुबह 8-9 विसल लगा दी है उसको, काले चने की ग्रेवी वाले चने बनाने जा रही हूँ। ये मैं चने रात को भिगोए थे और अभी इसको मैंने 6-7-8 सीटी मरवा ली है इसको कुकर में। अभी देखो ये गल गए अभी ऐसे। अभी इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के कांदा लिया, एक इतना सा छोटा सा पीस अदरक का, एक 2 हरी मिर्ची और 10 अदरक लहसुन की कलियाँ इन, और 2 टमाटर छोटे, उसको सबको पीस लिया है। मीडियम साइज के टमाटर थे, अब इनको मैं सबको पीस लिया। बनाने बहुत इजी है इसको, ये तरी वाले जो काले चने हैं ये पाव के साथ चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छे हैं ये। अभी मैंने तेल रख दिया, तेल चढ़ा दिया, तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने मसाला डाल दिया ये सारा, और इसको क्या स्लो गैस में पकने दो तो इसका कलर भी अच्छा आएगा और अच्छे से भूज जाएगा। तो फास्ट मैंने इसको स्लो में ऐसे ढक के रखा और ये भूजने दो। अभी चलो ये तब तक गर्म हो रहा है, मेरे ओट्स बना लेता हूँ। तो ये है कसूरी मेथी जो मम्मी थोड़ा सा भून रही है, और इसको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके डाल दूंगा जब ये ठंडा हो जाएगा तब। मसाला होटेला तेल छोड़ रही है उसमें, इसके अंदर एक कसूरी मिर्ची थोड़ी डाल देते हैं, आधा जिम जल्दी, आधा लाल मिर्ची, थोड़ा 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये गरम मसाला। तो थोड़ा भूनने का भी अभी ये भूज गया, देखो इसने तेल छोड़ दिया। अभी इसके अंदर उबले हुए चने, ये जो बॉईल किए हुए चने थे ये मैंने इसके अंदर मसाले में डाल दिए। अभी इसको 15-20 मिनट पकाना पड़ेगा, थोड़ा गाढ़ी हो जाए तरी ऐसे, और इसको ढक देते हैं स्लो आंच में ऐसे रख दो। इसको अभी हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। आप अभी इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए सबको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।